हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि बेटा हम जानते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई भी एक कार है इधर, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, जैसे अब एक ट्री ले लीजिए इधर। अगर हम इसको देख रहे हैं भाई, ठीक है, कोई कार है और ट्री से इतने डिस्टेंस पर खड़ी हुई है, तो हमने उसको 2 मिनट बाद फिर देखा, फिर भी यही है। 4 मिनट के बाद देखा, फिर भी यही है। कितने टाइम के बाद भी देखिए, यही मिले वो, यानी कि उस वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। और अगर ये कार हमने पहले देखा यहाँ है, फिर थोड़े टाइम बाद देखा हमने इसको, ये इधर मिले, फिर थोड़े टाइम बाद देखा इधर मिले, फिर देखा इधर मिले, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट में है। ये चीज़, ये चौक यहाँ रखा हुआ है, अभी देखा अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद देखा फिर भी यही है, फिर देखा यही है, इसका मतलब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये रेस्ट में था। और अगर ये टाइम के साथ पहले यहाँ है, थोड़ी देर बाद देखा इधर, फिर इधर 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 इधर, यानी कि टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो मोशन में हो जाएगा। तो बस यहीं से है हमारी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। रेस्ट, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन रेस्ट, इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद टाइम, इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। विद टाइम, अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। नेक्स्ट देखिए, अगर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, कुछ टाइम बाद देखा फिर यहाँ मिला, फिर कुछ टाइम बाद देखा यहाँ, फिर कुछ टाइम बाद देखा यहाँ, यानी कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोशन। मोशन को डिफाइन करेंगे, define motion, an object is said to be in motion if it is changing its position with time, an object is said to be in motion if it is changing its position, changing its position with time, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है, और अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, यही तो देखते हैं हम। अब मान लीजिए, जैसे कि हमने वो टरी लिया था इधर, ये टरी, इधर एक कार थी, तो हम बताएंगे टरी के साथ पोजीशन बता दें इसकी, कि भाई पहले देखा हमने ये टरी से 50 मीटर्स थी, थोड़ी टाइम के बाद देखा ये हमने, तो ये टरी से मिली हमें 200 मीटर।
यानी कि पहले तो हमने देखा 50 मीटर थी ट्री से 50 मीटर, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो ट्री से 200 मीटर, यानी कि हम यहाँ पर ट्री को यूज कर रहे हैं उसकी पोजीशन बताने के लिए। अरे जैसे कोई हमारे घर का रास्ता पूछता है कोई फ्रेंड है हमसे, तो हम कैसे बताएंगे, जैसे मंदिर के सामने है तो हम क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। बैक साइड है तो या ऐसे कह देंगे कि टेम्पल के बैक साइड है, ठीक है, टेम्पल के साइड में है, टेम्पल के साइड में, यानी कि हम वहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ले रहे हैं जिससे हम लोकेशन या पोजीशन बता रहे हैं किसी चीज़ की। जैसे वहाँ पर आप टेम्पल बता रहे हो कि टेम्पल से इधर है मेरा घर या इधर है, इसी तरीके से हम यहाँ पर स्टडी से बता रहे हैं कार की पोजीशन। तो एक ऐसा पॉइंट जो पोजीशन बताता है ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से डेफिनेशन आ गई रेफरेंस पॉइंट की, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, ऐसे लिखेंगे द पॉइंट विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा पॉइंट जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगा वो होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। अरे रेफरेंस वैसे भी तो देते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो शादी में, ठीक है, आपके साथ आपका छोटा भाई है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड आपसे पूछने कि ये कौन है, तो आप कहोगे कि ये मेरा भाई है, तो वहाँ आपने उसका रेफरेंस दिया है अपने थ्रू, तो आप वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो गए। यानी कि जिस पॉइंट का यूज किया जाए दूसरे की पोजीशन बताने के लिए, यहाँ पर मोशन की जब हम बात करते हैं, जिस पॉइंट का दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं हम, वो होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसमें, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे हो सकता है भाई एक ऑब्जेक्ट को जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास, यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो ऐसे चल रहा है एक जैसी स्पीड में, एक मिनट में चला जाता है 5 मीटर, फिर अगली एक मिनट में जाता है 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 5 मीटर्स, फिर नेक्स्ट 1 मिनट 5 मीटर्स, फिर नेक्स्ट 1 मिनट 5 मीटर्स। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे जा रहा है वो, यानी कि उसकी स्पीड एक जैसी है। अगर स्पीड एक जैसी होगी तो एक जैसे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म। क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ड, यूनिफॉर्म। और मोशन है तो क्या ऐसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से हमारी डेफिनेशन आ गई है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो मोशन हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी है, अगर स्पीड घटती बढ़ती नहीं है, अगर आपको स्कूल से घर जाना है एक जैसी स्पीड में जाओ, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखिए, अगर स्पीड एक जैसी ना रहे, स्पीड कम या ज्यादा कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा, आप सेम टाइम में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी
यानी कि मोशन एक जैसा नहीं रहेगा, और जब एक जैसा नहीं होता तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे कह सकते हैं हम। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एग्जाम्पल्स बताइए दोनों के यूनिफॉर्म मोशन। अरे जो हैंड क्लॉक हैंड है, घड़ी की जो सुई है, एक जैसी स्पीड से ही चलती है, तो वो क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही तो है। सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे वहां पर यूनिफॉर्म तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी क्या देखते हैं कि 365 डेज में अगर हमारी अर्थ है एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो वो भी कैसा मोशन हो गया भाई, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रही है 24 आवर्स में, वो भी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट हम देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा नहीं है। आप कभी पैदल चलते हो, गलियों से जाते हो स्कूल से घर, क्या कभी एक जैसी स्पीड से चले हो, आगे से कुछ आ जाता है, रुक जाते हैं, फिर आपको लगता है कि लेट हो गए, फिर भाग लेते हैं, तो क्या होता है, स्पीड आपकी एक जैसी नहीं रहती, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भीड़ में चलते हो, क्या एक जैसी स्पीड से चल सकते हो, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब स्पीड आपकी एक जैसी रहती है तो यूनिफॉर्म मोशन, और स्पीड आपकी बार बार चेंज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन यूनिफॉर्म मोशन। If object covers unequal distance in equal interval of time, then non-uniform motion. Next देखिए types of motion. आज के lecture में हम केवल एक ही type करेंगे motion का, और वो है translatory motion. कौन सा motion? Translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है, ये मेरे पास टेस्टर है, ये यहाँ से चला और ऐसे आ गया, मोशन तो है, इसके सभी पार्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि ये बॉडी सारी की सारी तो जा रही है, इधर से जितनी चली थी सारी की सारी आगे पहुँच रही है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कार ले रहे हो, ये कार यहाँ से चली है और यहाँ यहाँ सारी की सारी तो कार आ गई है, ऐसा तो नहीं आधी कार पीछे रह गई, ऐसा तो नहीं है, मैं जब डस्टर को यहाँ से मूव करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आधा डस्टर पीछे रह गया भाई, सारी की सारी बॉडी जब मूव कर रही है तो वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स एज अ होल, जब पूरी की पूरी बॉडी मूव करती है तो मोशन हो जाता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन in which a body moves as a whole, पूरी बॉडी मूव करे, इसमें बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर करता है, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस
बॉडी का हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी टाइप क्या है। भाई इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, डस्टर ऑन द बोर्ड, कुछ भी है। कोई चीज़ मोशन में है, मोस्टली क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन ही है। नेक्स्ट देखिए इसकी टाइप्स। भाई कोई बॉडी कैसे चल सकती है, या तो वो एक सीधी लाइन में चले, या फिर वो ऐसे कर्व्ड पाथ में चले, ऐसे 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 ऐसे, या फिर वो ऐसे चले डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, ठीक है, कैसे भी चल सकती है भाई। या तो स्ट्रेट लाइन में चले, या कर्व्ड पाथ में चले, या फिर एक बार इधर 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 ऐसे चल रही है गलियों में, ऐसे कहीं कहीं उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, यही तो मोशन हो सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स लिखेंगे हम यहाँ से। जब एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो फर्स्ट टाइप का मोशन लिखेंगे हम इसका, ये हो गया हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर को हम रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं, और रेक्टिलीनियर मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तभी तो लीनियर होगा, अभी हमने बात किया। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहां से ऐसे आया, इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। एक सीधे रास्ते में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो हमारा मोशन होगा रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर लीनियर मोशन कह सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट जो हमारा मोशन है वो है कर्व्ड पाथ में चलना, कर्विलिनियर, या फिर इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए लीनियर के एग्जांपल्स कोई भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पे मूविंग कार, मूविंग बस, कुछ भी स्ट्रेट लाइन पे जब चल रहा है, ट्रैक्टिल लीनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। नेक्स्ट देखिए जब कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर और सर्कुलर भी बोल सकते हैं हम इसको, सर्कुलर मोशन। द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ए कर्व्ड पाथ और इन ए सर्कुलर पाथ। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स और ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ कर्व्ड और सर्कुलर पाथ। ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में, ऐसे पाथ में, या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो हो जाता है हमारा सर्कुलर पाथ। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई, सीडी ऐसे चलता है, सीडी के बाहर एक पॉइंट लगाओ, मान लीजिए सीडी है, यहाँ पर एक पॉइंट लगाओ, उसके लिए क्या हो गया, सर्कुलर पाथ। मैरी गो राउंड, आप झूले में बहुत झूलते हो मेले में, वहाँ पर क्या वो ऐसे घूमता है, उसका भी कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अगर रोड पे आ जाता है ऐसे सर्कल, ऐसे आता है बीच में, आप रास्ता भूल जाओ, ठीक है, आपको वापस जाना होगा, इधर से आ गए और इधर से वापस चले जाओ, तो ये भी कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट कर्व्ड या सर्कुलर पाथ में मूव करता है। थर्ड टाइप देखिए इसकी, थर्ड एंड लास्ट टाइप, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में क्या होगा भाई, उसको पता ही नहीं रास्ते का, बेचारा भटक जाए, कोई गुमशुदा
कभी इधर गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। कैसा मोशन होगा ये? रैंडम मोशन। दीवार पे एक चींटी चल रही है, बेचारी रैंडम मोशन में जाती, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। तो वो मोशन हमारा क्या होगा? रैंडम मोशन, यानी कि बार बार डायरेक्शन चेंज होती है इस मोशन में। इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। ऐसा मोशन जिसमें जो है ऑब्जेक्ट बार बार अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हो जाता है हमारा रैंडम मोशन, ठीक है। भीड़ में चल रहे हो आप, कभी इधर रास्ता बनाते हुए जाओगे। स्नेक है, देखा, वो भी रैंडम मोशन में जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मोशन।